पीएम मोदी ने आईपीएस प्रोबेशनर्स से साधा संवाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में हुआ आयोजन। वर्चुअल संवाद में बोले पीएम, आने वाले सालों में यही संभालेंगे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां। गृह मंत्री अमित शाह और नित्यानंद राय भी रहे मौजूद। कर्नाटक में 38 बंदरों को जहर देकर मारने पर बड़ा बवाल। हाईकोर्ट ने बंदरों के हत्या के मामले का खुद लिया संज्ञान। बंदरों को मारने से पहले बोरे में बंद कर पीटा गया। कोर्ट ने दिया जांच और कार्रवाई का आदेश। मध्य प्रदेश के भिंड में बारिश के कारण गिरी उप जेल के बैरक्षा और सात की दीवार। मलबे में दबे 21 कैदी, दूसरे कैदियों की मदद से बचाई गई जान। 234 कैदियों को ग्वालियर जेल शिफ्ट करने की तैयारी। ओलंपिक में वंदना कटारिया ने हैट्रिक गोल दाग कर रचा इतिहास। महिला हॉकी में भारत का जोरदार प्रदर्शन। दक्षिण अफ्रीका को 4-3 से हराकर भारत ने क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की तैयारी। टोक्यो ओलंपिक में वुमेन्स बैडमिंटन सिंगल प्रतिस्पर्धा में भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। भारत का एक और मेडल हुआ पक्का। सिंधु ने महिला एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में मेजबान जापान की अकाने यामागुची को हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की गीतकार जावेद अख्तर और शबाना आजमी से मुलाकात पर अभिनेत्री कंगना रनौत का आपत्तिजनक कमेंट। ट्विटर पर ममता को बताया राक्षसी ताड़का, संभल कर रहने की दी सलाह, हो रही आलोचना। अभिनेत्री जिया खान मौत मामले की सुनवाई करेगी सीबीआई कोर्ट। 8 साल से लंबित है मामला। आदित्य पंचोली है मुख्य आरोपी। मुंबई पुलिस और सीबीआई कर चुकी है कथित आत्महत्या की जांच। सीबीआई कोर्ट में अब होगी सुनवाई। कश्मीर में सेना की बड़ी कामयाबी। जैश आतंकी मसूद अजहर का भतीजा लंबू एनकाउंटर में ढेर। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा की घटना। आतंकी का नाम इस्माइल उर्फ लंबू है। लथपोरा पुलवामा हमले की साजिश में शामिल था लंबू। महाराष्ट्र में 1 अगस्त से लॉकडाउन में शिथिलता देने की तैयारी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जारी करेंगे नई गाइडलाइन। गणेशोत्सव और आगामी चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण हो सकता है लॉकडाउन में छूट। कोरोना संक्रमण के चलते जारी है प्रतिबंध। महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे का मोदी सरकार पर हमला। बड़े भाई की तरह कर बाढ़ पीड़ितों की मदद। केंद्र ने दिया है महाराष्ट्र को 701 करोड़ का राहत पैकेज। शिंदे बोले, मदद छोटी बड़ी राहत की उम्मीद। नवी मुंबई में मराठा क्रांति मोर्चा का अधिवेशन। छत्रपति संभाजी राजे ने मराठा समाज में फिर भरा जोश। आरक्षण हासिल करने फिर गूंजेगी मराठा क्रांति मोर्चा की आवाज। आंदोलन की नई तैयारी। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।